9 अक्टूबर दिन शनिवार को भारतीय राजनैतिक और समाज सुधारक दलित शोषित वंचित समाज के प्रोद मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्य स्मृति श्री गंगाधाम टेकमेन स्थित समाजवादी कैंप कार्यालय पर मनाई गई। इस दौरान काशीराम जी को याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ नेता अशोक कुमार जाटव और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी मथुरा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर अवरार हुसैन, विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष पाल और प्रदीप चौधरी रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ नेता प्रहलाद यादव और मदन लाल के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में सर्वश्री रवि कुमार जाटव जिला उपाध्यक्ष, युवजन सभा, महिला सभा, रामसुता जाटव, जितेंद्र कर्दम, प्रदीप जाटव, मुकेश कुमार आदि सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। माननीय काशीराम जी को बहुत नमन करता हूँ और मैं तो खास करके जो चीज बताने जा रहा हूँ आपको, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करूँगा। जब से देश आजाद हुआ, माननीय काशीराम ने दलित पिछड़ों को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना दिया। इससे पहले कोई उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों को जानता नहीं था। ये माननीय काशीराम जी की देन है। और इन मनुवादी, मतलब जाति से मनुवादी नहीं है, मैं उनको कहता हूँ जनसंघ। जनसंघ जानते हो, जनसंघ वो चीज है कि उस जगह दरार ना हो सकता उनका बस नहीं चलता है, मियाँ बीवी में भी दरार डाल दें। मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ और ये आपको इस इलेक्शन में सीखना होगा। ये लोग इस तरीके की भी हरकतें कर सकते हैं। जब ये मान के चलो तो मायावती जी को पूरी तरीके से काशीराम जी ने मुख्यमंत्री बनाया। जब काशीराम जी ने कहा था एक श्यापनाथ और एक नागनाथ, इन दोनों से बचे रहो तो मैं देश की प्रधानमंत्री भी मायावती को बनवा सकता हूँ। सिर्फ मायावती को प्रधानमंत्री नहीं, उन्हें लेके मैं तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रहूँ, यही बहुत है। आज उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तो लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं काशीराम जी, जिनको बड़े प्यार से हम लोग माननीय काशीराम जी के नाम से जानते हैं, उनका संघर्ष ही हमारे लिए एक राह है। अगर उनके संघर्ष को देखें तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि अपने लिए संघर्ष किया, उन्होंने सब समाज के लिए संघर्ष किया। हम जब पंजाब में पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई की, पुणे में सरकारी नौकरी लगी, सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने पहली बार जाति गत जो डिस्क्रिमिनेशन है या जिसको कहें कि जो जातिगत भेदभाव है, उन्होंने पहली बार देखा कि सरकारी कर्मचारी होते हुए जब मेरे साथ, क्योंकि मैं एक दलित समाज से आता हूँ, मेरे साथ ये भेदभाव हो सकता है, तो मेरे समाज में बहुत से इतने अनगिनत साथी हैं जो बहुत ही सोच दलित हैं, वंचित हैं, उनके साथ क्या समस्या रही होगी। उन्होंने इस बात को देखा, संघर्ष किया और रामसेव की स्थापना, वो पहला मूवमेंट था जो माननीय काशीराम जी ने बनाया रामसेव, और उसमें उन्होंने बैकवर्ड और माइनॉरिटीज दोनों को शामिल किया। रामसेव की अगर हम इसको अगर तोड़ेंगे तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज आता है, उसका पहला शब्द यही है रामसेव का, तो उन्होंने सबको लेके साथ चले। उसके बाद DS4 बनाया दलित समाज को लेके, और ये दो जो उनके दोनों मूवमेंट रहे, ये सामाजिक मूवमेंट थे। उन्होंने एक चीज देखी कि हमें हक जो मिलने वाला है या हमें जो हक चाहिए वो सामाजिक मूवमेंट से नहीं आएगा, उसके लिए हमें राजनीतिक ताला चाहिए। उन्होंने इस चीज को पहचाना, अपने लोगों से कहा कि जब तक आप राजनीतिक रूप से संगठित नहीं हो गए, आपकी आपको लोग नहीं पहचानेंगे। क्योंकि जैसे हमारे वक्ताओं ने कहा कि 85% हैं लोग, पर वोट तो हम दे रहे हैं, पर किसको दे रहे हैं? क्या वो उस वोट की कीमत जो हम उसको दे रहे हैं उसके बदले में हमें कुछ दे रहे हैं? हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा। उनके लिए हम वोटर हैं जो हर 5 साल उनको वोट देता है और अगले 5 साल के लिए हम दोबारा इंतजार करता है, कम मौका नहीं हम वोट हैं। तो उन्होंने राजनीतिक रूप से दलितों को संगठित किया, पिछड़ों को संगठित किया, जो दलित और पिछड़े के बीच की खाई थी उसको भरा। क्योंकि वो जानते थे अच्छी तरह कि दलित और पिछड़े जब तक एक साथ नहीं आएंगे राजनीतिक परिवर्तन नहीं आएगा।
और राजनीतिक परिवर्तन नहीं आएगा तो हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा।